वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मैंने मेरा लहंगा साड़ी है जो मैंने दो साड़ियों की हेल्प से मिलकर बनाया है इसको, और इसे पहनना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ओवर स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये लहंगा साड़ी कैसे क्रिएट करना है, और आप कम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। रेड और येलो का कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। आप किसी भी शादी पार्टी में ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वाला लुक आप क्रिएट करने चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे साथ अपना कमेंट या अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ये मैंने प्लेट्स बहुत ही आसान तरीके से और आपको इजी से ट्रिक बताए हैं। आपको पहनने में बहुत ही आसानी होगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाला है। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना सेक्सी, कितना हॉट लुक क्रिएट हुआ है इसमें। आप खुद ही से देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और नीचे का जो प्लेट्स है ना, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा कि आप खुद ही देखें कितना प्यारा सा आया है। बिल्कुल आप अगर न्यू ब्राइड हो तो ये वाला लुक ज़रूर क्रिएट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा है ब्लाउज है, पेटीकोट मैंने ऑलरेडी कैरी किया है, आप अपने हिसाब से कैरी कर लें उसे। इसके बाद लेनी है हमें एक साड़ी जिसमें लेस वाली हो या अच्छी थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हो, वो भी चलेगी। अगर आप सिंपल कलर कैरी करना चाहते हो तो भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट थोड़ी सी बॉर्डर होनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लहंगा है तो थोड़ा सा लहंगा का लुक लगना चाहिए। तो अब हम टकिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जब लास्ट कॉर्नर से टकिंग करते हैं तो वहाँ पर लेस नहीं लगी होती है, तो उसे कवर करना ज़रूरी है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसे ऐसे करना शुरू कर दें। ऐसे प्लेट्स अच्छे से बना लें अच्छा खासा, क्योंकि हमारे पास दो साड़ियां हैं और बस इससे लहंगा बनाना है। एक साड़ी से 6 मीटर में लहंगा बहुत ही प्यारा बन जाता है, आपको पता है। तो हम प्लेट्स बना लेते हैं और हल्का सा घुमा देते हैं अपने पेटीकोट को ताकि वो बैक की तरफ चला जाए, और इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे ही करें क्योंकि लास्ट में आपको जब ये लहंगा कंप्लीट होगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि ऐसे हमें टकिंग करते जाना है, बट आप सबको पता है कि जो हमारा आँचल होता है उसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी थोड़ा ज़्यादा होती है और लेसेस भी लगे होते हैं, तो उसको इसमें कवर करना है आपको, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारी जो आंचल का फैब्रिक है वो आ ही गया है, क्योंकि यहाँ आंचल की फैब्रिक में चारों तरफ लेस लगी होती है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आपको थोड़ा सा टकिंग करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी हो सकती है आपको चुभे हल्का सा, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वो हो जाती है मैनेज। तो हमें यहाँ पर आगे टक कर लेना है क्योंकि हमें तो अपना लेस दिखाना है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेती हूँ और अपने प्रॉपर वे में अपने ले मैं इसको टकिंग करती हूँ प्लीट्स बनाकर, जो कि बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं और नहीं घुमाऊँगी, इतना बहुत है। अब मैं ऐसे टकिंग करती जाती हूँ। अब मेरे अच्छे खासे चारों तरफ बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है लहंगा साड़ी कम्प्लीट हो गया है, बन गया है। तो ये देखिए हमारा लहंगा साड़ी क्रिएट हो चुका। अब हमें करना है अपना प्लेट्स बनाने हैं, वो भी मैं बहुत ही प्यारा सा लुक दिखाऊंगी आपको। और देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। स्टार्टिंग में जब वीडियो आपने स्टार्ट किया तो उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितना प्रिटी, कितना प्यारा लग रहा था, और इसे पहनना भी कितना आसान है, ये भी आप इस वीडियो में देख ही लिया। अब हमें करना इसे थोड़ा सिक्योर करने के लिए एक पिन की हेल्प से हमें यहाँ पर पिन लगा लेना है ताकि ये प्रॉपर वे में हो जाए और बिल्कुल भी निकले ना, और हम जितने टाइम चाहें उतने टाइम इसे कैरी कर लें। और एक पिन और आप नीचे लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छे से फिट हो गया और बिल्कुल भी निकलने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे। अब आपको लगानी है अपनी प्लेट्स। प्लेट्स बनाना बहुत ही आसान है और आप इस वीडियो में आप खुद ही देखेंगे। तो ये येलो साड़ी इतना प्रिटी है ना, आप भी कुछ ऐसा कम्बिनेशन ले जो दोनों साड़ियों के साथ बहुत ही प्यारा मेल खाए और बहुत ही प्यारा लगे। तो आप कोई भी ऐसी अपनी दो साड़ियाँ चूज़ कर लो फटाफट, और ये वाला लुक ज़रूर ट्राई करना आप। तो ये देखिए अब हमने अपने प्लेट्स को कर लिया है, प्लेट्स बना लिया है, आई मीन नॉर्मली आपको प्लेट्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आपको यहाँ पे कर लेना है टक।
और ये देखिए हमने टक कर लिया। अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर लूँ जैसे कि मैं कर रही हूँ, और ये बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब हम अपने हिसाब से ऐसे कर लेते हैं, देख रहे हैं कि हमारे प्लेट्स जो हैं परफेक्ट लग रहे हैं या नहीं। और हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट हैं, बट हमें इसमें कुछ चीज़ें और करनी है। ये जो हमारा लेस है ना, थोड़ा सा पीछे रह गया है और लेस से थोड़ा फैब्रिक दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसे और टक कर ले रही हूँ। अब हमारा परफेक्ट आ रहा है लेस के साथ में, तो अब हमारा जो लुक है वो परफेक्टली ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है, बट अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। आपको मैं यहाँ पे सिंपल प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी, आंचल का प्लेट्स, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। एक तो आप ऐसे कैरी कर लो, बट ये वाला थोड़ा ना आंटियों वाला लुक हो जाता है, तो इसे हम कैरी नहीं करने वाले यहाँ पे, हमें करना है थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये देखिए हमारा डिफरेंट वाला लुक जो है, बट हमें एक एक प्लेट्स बनाना नहीं पड़ेगा यहाँ प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है जो आप अपने प्लेट्स को बहुत आसान तरीके से बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम अपने प्लेट्स बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम अपनी प्लेट्स को आपको दिखा देते हैं, और थोड़ा सा आप इसको सेट कर लें अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ इसे करना चाहिए, बट ऑलमोस्ट जो हमारा लुक है वो कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब मैं यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा प्लेट्स को अपने सही करना चाहती हूँ आंचल को। तो ये वाला लुक आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये फ्लैट चेस्ट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको सिंपली एक यहाँ पे पिन लगा लेना है, सिंपल वे में, बहुत फिट करके नहीं, नॉर्मली। तो हम यहाँ पे एक पिन से लगा सिक्योर कर लिए। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अपने हैंड पे रखना है, आई मीन शोल्डर पे, और एक एक प्लेट्स को पकड़ पकड़ के आपको कर लेना है पिन से सिक्योर। तो ये देखिए अब हमने सिंपल, देखिए कितना आसान है ना इसे करना। ये वाला आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और फिर उसको सेट कर लेना, और फिर एक पिन लेकर ना अच्छे से सिक्योर कर लेना। फिर जो आपका लुक आएगा ना वो देखने वाला होगा, आप भी कहोगे वाह यार इतना आसान इसे करना, मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। ये वाला लुक एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर, फिर आपको जो लगेगा ना वाह, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मेरा पिन लग गया, और मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट जो मेरा लुक है वो तैयार हो चुका है। सो जब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट इसे लाइक कर दो यार, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, पहनने के पहले या पहनने के बाद। मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए आपका, क्योंकि मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। सो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियो को देखते रहना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।